प्रणाम भाइयों और बहनों, मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। मैंने एक संवैधानिक संकट मुझे समझ में आया। 91 संविधान संशोधन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2003 में अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें राज्यों को यह निर्देशित किया गया था कि राज्य में मंत्रिमंडल मैं मुख्यमंत्री के सहित 15% से जो कुल संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश का वर्तमान जो मंत्रिमंडल है वो 34 सदस्यों का है मुख्यमंत्री सहित। दोस्तों, वैचारिक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्यों के साथ मिलकर बनती है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में मात्र 206 सदस्य हैं। 24 सदस्य मध्य प्रदेश की विधानसभा के अब सदस्य नहीं रहे हैं, स्थान रिक्त है। अगर 15% के हिसाब से देखा जाए तो 31 सदस्य मुख्यमंत्री जी समेत बन सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वोट दिलाई है वो गैर संवैधानिक है। उन्होंने 33 लोगों को शपथ दिलाई है और 34 में वो खुद मुख्यमंत्री हैं। मैंने एक पत्र लिखा है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि ये संवैधानिक त्रुटि हुई है, जो सेक्शन है 164(1)(a) इसके अनुसार 15% से ज़्यादा सदस्य मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। मैंने उसकी कॉपी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी दी है और चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को भी दी है। और ये एक ऐसा संवैधानिक त्रुटि है जो जानबूझ के की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा। इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कोर्ट को भी लेना चाहिए, और जो संविधान की रक्षा करने के लिए राज्य में नियुक्त हैं महामहिम राज्यपाल महोदय, उनको भी इस पर निर्णय करके तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज।